100 हो गई गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे आप सब लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज, गोलू का आज लास्ट एग्जाम है। सो हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा नहीं है, ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर है सेक्टर 90। सो वहीं पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ आज वो हेलमेट में लगाऊँ फ़ोन का सेटअप और फिर दिखाऊँ आपको व्यू कैसा है। सो लगाते हैं। सो गोलू भी पूरा रेडी हो चुका है। सो भाई, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जैकेट हम पे एक ही है, ये सेम जैकेट दो है हमारे पास। सो आप लोग बोलोगे कि एक ही जैसे और मम्मी लगी है मटर छीलने में, हम भी निकलते हो। पैर छुए मम्मी के? पता, पहले ही निकलेंगे। पापा कहाँ गए? कह रहा पापा कहाँ गए, और इसमें भी जाता हूँ। सो गाइस, मैं हाईवे पे आकर सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना। फिर रोड पे क्या ही दिखाता, सीधा हम हाईवे दिखाएंगे। ओ राइडर्स, केशव भाई के सामने। YouTube फैमिली होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। हंड्रेड हो गई गाइस, मुबारक हो आप। सो गाइस, रोड आ कॉलेज, बाइक को करते हैं पार्क, हम बोलो यार अंदर। अबे मटकों पे सब देख रहे हैं यार, चल ना, तो चल बताओ कुछ। गोल मुझे मारने के लिए भाग रहा है। आ जा, थक गया। ये भागते भागते यहाँ तक आ गया मुझे पकड़ने के लिए। वहाँ पे बैग में सब कुछ है, यहाँ मैं छोड़ के आ गया। आज कहीं घूमने जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं बैठे हुए हैं। तो अभी अमरूद लिया है और अमरूद खाता है। यार देखना, गवर्नमेंट ने ये वाले स्पीड ब्रेकर्स बैन कर दिए हैं, और जो कि अभी भी लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक आगे भी रोड पे लगा हुआ है। इससे क्या, गाड़ियों के पूरे सस्पेंशन ढीले हो जाते हैं, बाइकों के शॉकर की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये इतने बेकार स्पीड ब्रेकर है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तब भी ये लगे हुए हैं। सो गाइज, वंस अगेन वी आर इन बायोडाइवर्सिटी पार्क, और बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने ये डिस्क ब्रेक लॉक लगाया है, इसी में मैंने ये हेलमेट का भी फंसा दिया। सो ये हेलमेट लेके नहीं घूमना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये वाला ले लेते हैं हाथ में, क्योंकि इससे रिस्क नहीं ले सकते गाइस। हैंडल भी लॉक है, चेक चाबी मेरे पास है, चलते अंदर। गए थे तो इस साइड, इस बार हम जाएंगे इस साइड। सो लेट्स गो, रास्ता चलते जा रहे, कुछ आ नहीं रहा। सो इधर से ही चलते हैं उसी साइड से, बढ़िया मैंने अच्छी चीज़ तो उसी साइड। तो गाइस, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, इस साइड पूरा जंगल ही जंगल है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा। देखते हैं सर, पूरा रास्ता साइड पूरे जंगल, साइड भी जंगल, कहाँ जाऊँ। हियर वी हैव जा रही है क्वालाइन मेट्रो, यहाँ पे गए थे हम पिछली बार ऊपर। और इस साइड देखो यार, खेती वेती भी कर रखी है बीच में, तो
मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है। सो यहीं पे वेट करते हैं और सीधे डायरेक्ट गोलू को लेते हैं और फिर घर चलेंगे। मैंने सोचा कोई नई जगह जाएंगे, लेकिन यार कोई आसपास थी नहीं, यही जगह है बायोडाइवर्सिटी पार्क, यही आ रही थी। सो यहीं आ गए, आराम करते हैं, फिर 4 बजे चलते हैं गोलू लेने। अच्छा लग रहा है हेलमेट? लेना है? क्यों लेना है? तो गाइस गोलू आ चुका है सामने, हो रही बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया, हम आ गए हैं बर्गर के, चलते हैं ऊपर। ऑर्डर दे दिया, 10 मिनट लगेंगे ऑर्डर रिसीव होने में, तो चलते हैं ऊपर। गाइस घर पहुंच चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:30 ऑलमोस्ट 30 हो रहा है, गर्मी लगी है खाना बनाने में। तो खाने में बन रही है आज कड़ी बड़ी। तो गाइस अभी एक कॉल आई थी क्राउन प्लाजा की तरफ से, जो कि मैं जीत चुका हूँ 2 वाउचर मूवी टिकट और 3 नाइट 4 डे का एनी होटल में, जो कि उन्होंने बताया कि अपने आप मम्मी पापा और ब्रदर के साथ आ सकते हो। सो वहीं पर जाने का प्लान बन रहा है, फ्री की चीज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि जाके ले लेते हैं अपने वाउचर्स, कलेक्ट कर लेते हैं। सो अभी मुझे भी जबरदस्ती लेके जाने का मन है। सो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं, पापा ने भी कोट पैंट पहन लिया है, गोल भी रेडी हो चुका है, अब निकलते हैं और सीधा आपको मिलता हूँ मैं क्राउन प्लाजा पहुँच के। सो एकदम से इंस्टेंट प्लान बन गया, पापा आते के साथ ही तैयार होने में लग गए। पापा कह, पापा तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं कहीं नहीं जाना, सो पापा को जिद करके मनाया और अब चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस पार्किंग में लगा दिए बाइक और चलते हैं ऊपर एंड ले लेते हैं। सो गाइस होटल तो काफ़ी मस्त है, चीफ गेस्ट। सो गाइस हम तो आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है। आपका इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर, इसमें आप अगर इंटरनेशनली कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं उस पर हियर वी हैव वाउचर्स। सो गाइस ये हियर वी हैव वाउचर्स, तो वाउचर ले लिया है बस इन लोगों। हम यहाँ सोच रहे हैं बुआ के घर जाए, अशोक नगर में ही है, उनको सरप्राइज देंगे, चलते हैं। होगा जी सही के लिए, सही हम बेबू के लिए, अब चलते हैं, पहुंच चुके हैं, मैंने बाइक पार्क कर दी है। सो मम्मी पापा जाएंगे पहले, हम पीछे जाएंगे। सो गाइस देखते हैं कैसा रिएक्शन है वो। सरप्राइज अभी बात वही रहे जो देख। सो गाइस सब शॉक हो चुके हैं, चाय वगैरह पी ली, अब चलते हैं वापस घर। तो गाइस अब बताता हूँ आपको वाउचर किस किस चीज का मिला है। सो ये एक्चुअली एक प्रोग्राम था जो कि 3 वाउचर्स दे रहे थे ऐसे अननोन बंदों को, 100 कस्टमर जो भी बता रहे थे, एनिवर्सरी थी इनकी जो भी थे। सो पहला है 2 नाइट 3 डेज का वाउचर जो कि इन स्टेटों में है, दिल्ली उदयपुर शिमला जयपुर कसौनी गोवा मनाली, ये सब है यहाँ पे लिखे हुए। और दूसरा है 10,000 का है, इंटरनेशनल वाउचर है। सो मुझे एक ही काम का लगा जो कि कपल मूवी वाउचर है। सो ये वाला यूज़फुल हुआ, और बाकी वो अपना प्रमोशन कर रहे थे, बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह दिया था और प्रमोशन करने के लिए बुलाया था उन्होंने अपना, बस यही था सीन वहाँ का। सो ठीक ही ठाक था, सो फ्री में इतना ही मिल गया तो भी बहुत है। वैसे 5-स्टार होटल था, हम पहली बार गए थे 5-स्टार होटल। सो
गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ गाइस, जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब कर दो यार, आपके भाई का चैनल है, ऐसे बने रहिए मेरे डेली व्लॉग चैनल पे और देखते रहिए व्लॉग। तो मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए की सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।